Friends, you know, in today's world, how important is to speak English? No, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमें कि मुझे हिंदी पसंद नहीं है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है after all, isn't it? हम सबको हिंदी में बात करना बहुत पसंद है. But क्या करें, English हमारी जरूरत बन गई है, so हमें वो भाषा भी अच्छी तरीके से सीखनी चाहिए. But कोई नहीं, मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि इंग्लिश जो है हम कितनी आसानी से उसे सीख सकते हैं. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम चाहे तो कुछ भी सीख सकते हैं, है ना? चलिए फिर मैं आज आपसे कुछ आसान सिंपल स्टेप्स जो है वो शेयर करूंगी कि कितनी आसानी से हम इंग्लिश जो है उसे सीख सकते हैं. हम सब में बहुत कॉन्फिडेंस है, बट सब उससे उभर नहीं पाते. हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह. So, मेरा पहला स्टेप होगा कि सोचो इंग्लिश में. स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में कैसे सोचूं मैं, है ना? यही सोच रहे हैं ना? आई मीन, सोचते तो हम सब हैं, बट हम उसे इंग्लिश में सोचेंगे, अपने नेटिव लैंग्वेज में नहीं. लाइक यू नो, लाइक लोकल लैंग्वेज में जैसे हम सोचते हैं, हम मॉर्निंग में उठते हैं एंड सोचते हैं कि आज क्या करना है, आज क्या बनाना है, आज किचन में क्या करना है, या मे बी लाइक यू नो, आज बच्चों को अभी तैयार करना है, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, या मुझे रेडी होना है ऑफिस जाने के लिए. सो ये सब जो है आप जो अपने नेटिव लैंग्वेज हो या अपने इंग्लिश अपना लोकल लैंग्वेज वगैरह में आप जो सोचते हैं उसे आप इंग्लिश में सोचिए. जैसे कि लाइक वॉट एवर योर थॉट्स आर, स्टार्ट थिंकिंग दैट इन इंग्लिश, यू नो, बिकॉज जो भी हम सोचेंगे, क्योंकि जो भी है हमारे सोच पे डिपेंड करता है वो. क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है उसे हिंदी में सोचते हैं एंड देन उसे ट्रांसलेट करते हैं, या प्रॉब्ली लाइक यू नो नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं एंड देन उसे ट्रांसलेट करते हैं. सो हम क्या करेंगे, इसे हम इंग्लिश में सोचेंगे. क्योंकि जब कोई लैंग्वेज, जब कोई चीज़ अगर हम उसे हिंदी में सोच रहे हैं या फिर हम हमारे नेटिव लैंग्वेज में सोच रहे हैं एंड देन यू नो वी ट्राई टू ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग विद एनीबॉडी, राइट? व्हेनेवर वी आर इन अ कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन विद एनीबॉडी, सो फिर क्या होता है, वो लिंक टूट जाता है एंड देन इट बिकम्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस एज वेल. सो अब से इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में बोलें. हमें अपने माइंड को उस तरीके से सोचने के लिए फ्रेम करना है जैसे हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं. सो अभी से वही बोलेंगे जो सोचेंगे. शुरुआत में थोड़ा रुकेंगे बट फिर फ्लो अपने आप ही आ जाएगा. सो माई फर्स्ट टिप वुड बी लाइक यू नो द स्टार्टिंग टिप वुड बी लाइक रीड आउट लाउड. ओके, रीड आउट लाउड. जो भी हम पढ़ेंगे जोर से पढ़ेंगे. मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे आपको जोर से पढ़ना है, रीड आउट लाउड, लाउडली पढ़ना है. क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे कानों तक जाएगा, कानों से वो दिमाग में जाता है, दिमाग में जाकर वो रजिस्टर होना चालू होता है, फिर हम वही बोलते हैं लाइक यू नो जो हमें बोलना है. सो वो फ्लो अपने हिसाब से अपने आप से वैसे ही आना चालू हो जाता है. वी शुड अवॉइड ट्रांसलेटिंग आवर नेटिव और लोकल लैंग्वेज इन इंग्लिश. It really slows down our process and it takes lots of time just to speak a normal sentences or a basic one. Let me give you another reason as in why you should not translate your native or your local language in English. When you translate each and every word from your native to English, you end up using vocabulary. Words and sentences incorrect, vocabulary words and sentence structure that are often incorrect, unnatural. So start thinking in English. That's my first tip to you. Hence, you should start thinking in words. Do you remember how did you learn your native language? You learned it by speaking in words. You didn't really start using sentences that I'm hungry, I want to eat food. You just started by saying hungry. Food, eat. Seriously, you started using these words before you started making, you know, and speaking it through sentences. You started by saying these words. Similarly, you need to do this with English. Start thinking in words. If you speak with someone in words, it might sound little weird, but you start thinking in words. It will really help you a lot. Just by saying, "मैं छत पर walk कर रही हूँ," so you're using walk in that. मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, सो यूज्ड शॉपिंग इन दैट. यू स्टार्ट यूजिंग दिस वन वर्ड इन योर डेली सेंटेंसेस
and then you start these words converting into your sentences. So there are several words that you can start thinking in English, and once you are comfortable with doing this thing, you will see a drastic change in your English. Once you are comfortable thinking in words and then saying it, my second step would be start thinking in sentences. In the beginning, you may find making yourself lots of grammatical mistakes or errors by using incorrect sentences, but that's completely fine. You will eventually improve it. So let's start thinking in sentences. If you are a beginner, you can start thinking by using easy sentences like, come here, please sit there, please have your food, let's go to the party, let's go shopping. You can use some easy sentences in the beginning. Once you are comfortable making easy sentences, then you can try a bit difficult sentences like, whom they are talking to, where are they going, some big sentences you need to frame. But remember one thing, the process of learning English becomes easy when you surround yourself with English environment. Please make sure either you listen, watch or read something in English. When you see any TV series or read any books in English, you tend to see lots of new words in that and lots of new sentences which you can use it in your daily conversation. Now my last tip would be, please stop thinking in native or in your local language. My last tip would be, please stop translating it and then speaking in English. Rather doing that, you can just start thinking in English and speak in English, as it is very important. Initially, you'll start using with these words and then framing it into the sentences, which will really help you frame bigger sentences and talk English very fluently. Now, many of them must be thinking, I don't have any English speaking partner, so how am I supposed to practice it? Better to start with yourself. As I have already mentioned in my earlier video, that how you can practice. You can practice talking in, like, you know, by yourself, stand in front of the mirror, and then, you know, you can talk to yourself. Probably, like, initially think, then frame it, little words frame it, and then try speaking it out. Will actually gain that confidence in you. Friends, if you really find my video useful, then do like it and share it. Thank you, friends. Happy learning.